नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में। ये चलिए आपकी कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें हम आपका देख रहे हैं रेखाएं और कोण, अध्याय 6 रेखाएं और कोण। आज जो हम देखेंगे वो आपका देखेंगे आपके प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपके प्रश्नावली 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें देखिए आपको फिगर नहीं दिया गया ना, तो कई बच्चे हैं वो फिगर नहीं बना पा रहे हैं और कहते हैं सर इसका फिगर कैसे बनेगा, ये समझ में नहीं आता। लड़कियां तो खासकर बोलती हैं कि ये फिगर नहीं समझ में आ रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने इसलिए फिगर नहीं बनाया है, अभी हम पढ़ते रहेंगे और फिगर बनाते रहेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा फिगर समझ में आए। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए ना, वो लोग सब्सक्राइब तब करिएगा जब क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है ना। आपके भी मन की हो जाएगी, हमारे भी मन की। हाँ, आप लोग वीडियो डाउनलोड करके मत देखा करिए, पूरा लाइव देखा करिए। जब तक देखा करिए तब तक मतलब पूरा एकदम ऑनलाइन ही देखिए यूट्यूब पे जाके, ठीक है ना। डाउनलोड करके आप लोग देखेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप पूरा एकदम बकायदा एक तरफ से देखते जाएंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, सर्च करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो देखिए विद्या ददात विनयम, विद्या से विनय मिलता है, और अगर आप विद्या बांटते हैं तो खत्म नहीं होता, ठीक है ना। तो आप इसको शेयर करिए, जहां तक हो सके वहां तक शेयर करिए, जब समझ में आएगा तभी करिएगा। आपको समझ में नहीं आए और आप शेयर कर दीजिए तो आप तो खुद समझे ही नहीं और दूसरे के पास शेयर कर, वो भी नहीं समझा तो वो वापस आपको रिटर्न में कुछ और कह देगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, ठीक। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और फिगर बनाते जाएंगे, आप भी सेम वैसा ही करेंगे, कापी कलम लेके बैठ जाइए, ठीक है ना। चलिए देखिए, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड, सॉरी ये सब बड़े लेटर में लिखा है तो सब बड़े लेटर में लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे एक्स वाई जेड बराबर कितना, 64 डिग्री। अब देखिएगा एक्स वाई जेड 64 डिग्री, फिगर बनाते हैं, ये तो ये हो गया हमारा यक्स, ये हो गया हमारा वाई, और ये हो गया हमारा जेड। घबराइएगा नहीं, अभी इसमें और करवाएगा। और ये कितना दिया है, 64 डिग्री, कितना 64 डिग्री। ये अभी इतना क्वेश्चन का पढ़े हैं। अब देखिए कह रहा है और यक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, ये जो यक्स वाई है ना इसको बिंदु पी तक बढ़ाया गया, मतलब इसे बढ़ा दिया गया, यहाँ पे पी नाम लिख दिया गया, ठीक है ना। और देखिए क्या कह रहा है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, आकृति को खींच दिया हमने। और कह रहा है यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, मतलब वाई पी ऐसे बनेगा, देखिए वाई और क्या क्यू, इसका नाम क्या हो जाएगा क्यू, ये ऐसे बनेगा कि इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब ये वाला और ये वाला ये बराबर बराबर करेगा, ठीक है ना। समद्विभाजित कर दिया, दो भागों में बांट दिया, समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांट देना। और क्या कह रहा है, कह रहा तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती, देखिए तो निकालना क्या है, कोण एक्स वाई क्यू ये कितना होगा, और कह रहा है एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब जानते हैं ना रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण कितना निकालना है, क्यू वाई पी, क्या क्यू वाई पी, इतना क्या करना है निकालना है। यहां लिख सकते हैं दिया है, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि वो चीज बताया गया है, दिया गया। तो चलिए अब आपका फिगर भी बन गया और आपको जो जो दिया गया था जैसे जैसे वैसे हमने क्या किया, लिख भी दिया ताकि आपको आसानी समझ में और आपको फिगर बनाना आ जाए। अब देखेंगे दोस्तों एक्स वाई जेड बराबर क्या दिया गया है, एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया गया, इतने का मान निकालना है एक्स वाई क्यू, मतलब एक्स वाई क्यू निकालना, मतलब ये इतना पूरा निकालना है। अगर मुझबानी निकाल लो ना दोस्तों, अभी देखिए पहले लॉन्ग वाला बताएंगे, लास्ट में एकदम बताएंगे, डायरेक्ट आप कैसे मान निकाल सकते हो, पूरा का पूरा मान आ जाएगा तुरंत, गारंटी है कि बस देखेंगे आप तुरंत निकाल लेंगे कि कितना मान आएगा, ठीक है ना। देखिए तो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू इसका मान निकालना पहले इतने का, ठीक है ना, और फिर निकालना है प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इतने के मान की प्रतिवर्ती निकालना, मतलब बाहर वाला निकालना, ठीक है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा, अभी ट्रिक बता देंगे, मतलब देखेंगे आप डायरेक्ट लग जाएगा। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया गया वो करते हैं, देखिए एक्स वाई जेड बराबर इतना हो गया, एक्स वाई इतना निकालना, इतना निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग ये जो वाई और क्यू है, ये वाई क्यू क्या कर रहा है, कोण किसको समद्विभाजित कर रहा है, देखिए जेड वाई पी को, जेड वाई पी को, तो लिखेंगे जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांटता है,
समद्विभाजित लिखना जरूरी है, इससे नंबर मिलेगा। समद्विभाजित करता है, ठीक ना, ये सब दिया गया है, समझ में आया, ये सब दिया गया है कि इतना, ये सब जो वाई क्यू है वो कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, ये जो वाई क्यू है जेड वाई पी को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है, ठीक है ना, तो दो भागों में बट गया। अब क्या लिखेंगे, इसलिए, इसलिए अब देखिए, अब आपका सवाल शुरू है कैसे कैसे आप लोगों को हल करना है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण, अब देखेंगे जब इस दो भागों में बांटे गए ये वाला हिस्सा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्यू वाई पी बराबर, ये जो क्यू वाई पी है ये बराबर किसके होगा, जेड वाई क्यू के होगा कि नहीं, जेड वाई क्यू के। जब ये दो भागों में बट रहा है तो ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, तो इसके बराबर इसको लिख दीजिए या तो इसके बराबर इसको लिख दीजिए। तो वही हमने क्या किया, लिख दिया, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक, यही लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए अब क्या कह रहा है, एक्स वाई को, एक्स वाई को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। देखिए एक्स और वाई को क्या कर रहा है, पी तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है। अच्छा, पी तक अगर बढ़ाया जाएगा, यहां से यहां तक का बढ़ाया जाएगा, तो इस सरल रेखा ही तो बनेगा, क्या बनेगा, सरल रेखा। तो लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए, इसलिए एक्स वाई पी, ये जो एक्स है वाई है और पी, ये क्या है, एक सरल रेखा है, क्या है, एक सरल रेखा है कि नहीं, बताइए, एक सरल रेखा है कि नहीं। जब ये इसको यहां से यहां तक बढ़ाया जाएगा तो एक सरल रेखा हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए क्या लिखेंगे, अतः, एकदम ध्यान से समझिए एक एक चीज, अभी फिर समझाएंगे इसको हल करके, उसके बाद दोबारा आपको समझाएंगे कैसे कैसे हुआ। अतः देखिए, अतः क्या हो जाएगा कि जो हम इसको जोड़ेंगे, इसको इसको इसको, ये तीनों जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो लिखते हैं कोण एक्स वाई जेड, तो देखिये एक्स वाई जेड ये वाला कोण, फिर क्या लिखेंगे, क्यू वाई ये वाला, पी वाला और ये वाला भी, तो लिखेंगे कोण प्लस कोण क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी भी हो गया, क्यू वाई पी ये वाला, और इसको भी जोड़ देंगे जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू, ये पूरा मिला कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। अच्छा, 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, रैखिक युग्म होगा, रैखिक युग्म होगा ना। देखिए ये तीनों कोण, एक दो तीन, ये तीनों कोण, इसको 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 जब जोड़ेंगे, जब ये एक रेखा है तो इसको 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 जोड़ेंगे, तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये तीनों मिला के क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ चीज ध्यान दीजिए, जेड वाई क्यू का मान दिया गया है, देखिए जेड वाई नहीं दिया, नहीं गया है, तो जेड वाई क्यू, अभी देखिए जिसका मान दिया गया है उसका मान हम लोग क्या रखेंगे, रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड का मान क्या है, पहले ही दे दिया गया, एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 64 डिग्री प्लस, अब देखिए ये और ये दोनों क्या है, बराबर है कि नहीं। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा, जब ये दोनों बराबर है तो इसको लिखेंगे पहले क्यू वाई पी प्लस कोण जेड वाई क्यू, इसमें से चाहे ना तो एक को बदल सकते हैं, जेड वाई क्यू, जैसे ये जेड वाई क्यू है, ये क्यू वाई पी है, तो जब ये दोनों बराबर है तो इसमें से क्या करिए, एक को बदल लीजिए, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसको भी लिख दीजिए, लिख सकते हैं कि नहीं, क्यू वाई पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये चीज समझ में आई कि नहीं। देखिए दोस्तों ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाला, ये वाला क्यू वाई पी बराबर जेड वाई पी, तो जहां जेड वाई क्यू था वहां क्यू वाई पी भी लिख दिए, देखिए तो जेड वाई क्यू के स्थान पे क्या कर दिए, क्यू वाई पी लिख दिए। अब ये हो जाएगा 64 डिग्री प्लस टू कोण क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री। यहां तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, 64 को उधर भेजिए, टू कोण क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो टू कोण क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री में से 64 डिग्री घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 में से 6 गया 1 और ये आ गया 1, 116 डिग्री। अब देखिए कोण क्यू वाई पी बराबर, दिख रहा है दोस्तों यहाँ तक का, नहीं दिख रहा है, चलिए यहां तक का दिख रहा है ना, यहां तक का ठीक। अब इधर लगाते हैं, टू क्यू वाई पी, हमको क्यू वाई पी प्रतिवर्ती पता करना है, एक्स वाई क्यू भी पता करना है, तो पहले क्यू वाई पी निकालते हैं, कोण क्यू वाई
पी बराबर, ये दो इधर गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 116 बटे दो, दो से काटेंगे, दो पंचे दस और दो अट्ठे 16, तो कोण क्यू वाई पी क्या आ गया, 58 डिग्री आ गया। कितना, 58 डिग्री। अभी ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ती नहीं निकला, क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी ये कितने का आ गया, 58 डिग्री का। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये वाला कोण इसके बराबर है ना, आंसर आ गया। देखिए पूछा क्या था, एक्स वाई क्यू बताइए, तो एक्स वाई क्यू बताना है, तो ये 58 तो ये भी 58। चलिए लगाते हैं, तो लिखेंगे कोण एक्स वाई क्यू बराबर, एक्स वाई क्यू बराबर, एक्स वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्यू बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, कोण एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस क्यू वाई जेड, कोण क्यू वाई जेड, ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री प्लस ये कितना है 58 डिग्री, 58 डिग्री जोड़ लीजिए, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 6 और 6 12 हो जाएगा 122 डिग्री। तो देखिए कोण एक्स वाई क्यू ये कितना आ गया 122 डिग्री, एक आंसर आ गया, एक आंसर आ गया आपका, कितने का आ गया 122 डिग्री। ये समझ में आया, ये वाला कोण 122 डिग्री आ गया, एक्स वाई क्यू ये वाला जो है आपका 122 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अभी और एक बार समझाएंगे, अब देखिए क्या बोला है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, क्यू वाई पी प्रतिवर्ती निकालना है, तो क्या करते हैं यहां से, कुछ नहीं बहुत आसान है, लिखेंगे प्रतिवर्ती, देखिए जब प्रतिवर्ती होता है मतलब रिफ्लेक्स एंगल पता करना, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, सॉरी कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री पूरा होता है माइनस, 360 डिग्री में से 58 डिग्री क्या करेंगे, घटा देंगे, 58 डिग्री घटा देंगे, तो जब 58 घटाएंगे देखिए कितना आएगा, 58 घटाने के बाद आ जाएगा 302 डिग्री, ठीक है ना। ये समझ में आया, अतः क्या होगा, प्रतिवर्ती यहीं लिख देंगे, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 302 डिग्री, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा है और पूरा पूरा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में। अब एक बार क्या करते हैं, इसको हम और आसानी से समझाते हैं दोबारा, ताकि ये आपको दिक्कत ना करे और पूरा पूरा आसानी से समझ में आ जाए। चलिए आइए, देखिए दोस्तों इसको जो समझाना है उसमें क्या करना है, जो पहले दिया गया उसको करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, उसके बाद एक्स वाई को पी तक का बढ़ाया गया और बोला है कि वाई और क्यू एक ऐसा किरण है जो कि जेड वाई पी को दो भागों में बांट रहा है, बराबर समविभाजित कर रहा है, तो ये दोनों बराबर समविभाजित हो गए। देखिए इसलिए क्यू वाई पी बराबर जेड वाई क्यू हो जाएगा, क्यू वाई पी बराबर जेड वाई क्यू हो जाएगा, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि समविभाजित कर रहा है, तो देखिए दोनों बराबर हो गया। एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया, बढ़ाया जाएगा जब, तो क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा हो जाएगा, मतलब जब इसको यहां तक बढ़ा दिए तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सरल रेखा हो जाएगा, तो सरल रेखा हो गया। फिर देखिए अतः, अब जब सरल रेखा हो जाएगा तो ये तीनों का, ये जब तीनों जोड़ेंगे ये तीनों, अगर ये 180 डिग्री हो गया सरल रेखा, तो बचा वाला भी 180 डिग्री का ही होगा, होगा ना, तो मतलब ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो देखिए एक्स वाई जेड क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू बराबर 180 हो गया। अब देखेंगे इसका मान दिया गया 64 डिग्री, और देखिए यहीं पे क्यू वाई पी और क्यू वाई पी ये वाला जेड वाई क्यू, यहाँ देखिए जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी, अगर आप इसको नहीं बदलते हैं तो आप इसको बदल देते हैं, ठीक है ना, किसी को एक को भी क्या कर सकते थे, बदल सकते, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बदला था, ठीक है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो था उसमें चेंज किए थे, जो आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन रहा होगा, हाँ जो आपका चौथा वाला क्वेश्चन था, एक्स एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड वाला जो था, उसमें हमने क्या किया था, चेंज किया था, सेम वैसे ही इसके बराबर जब ये दिया गया, तो चाहे आप इसके स्थान पे ये लिख दीजिए, चाहे इसके स्थान पे आप ये लिख दीजिए, तो इसके स्थान पे हमने क्या किया, यही वाला लिख लिया, देखिए इसके स्थान पे ये लिखा जा सकता, लिख लिया, तो इसको दो जोड़ेंगे दो क्यू वाई पी आ जाएगा, और ये 64 डिग्री दिया गया, 64 डिग्री को उधर भेजेंगे तो 116 डिग्री हो जाएगा, घट जाएगा, और उसके बाद देखिए टू क्यू वाई पी, अब दो को भी उधर भेजेंगे तो कितना 58 डिग्री, मतलब क्यू आई पी बराबर 58 डिग्री। तो जो क्यू आई पी तो हमसे पूछा नहीं था, हम केवल ये जान गए कि ये 58 डिग्री आ गया। चलिए अब क्यू आई पी 58 आ गया, अब देखते हैं एक्स वाई क्यू, हमसे एक्स वाई क्यू पूछा है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कहने का मतलब ये कोण पूछा है, तो इसमें अगर ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, तो देखिए दोनों जोड़ दिए तो 122 डिग्री आ गया, पहले वाला आंसर आ गया।
अब दूसरे वाले के लिए प्रतिवर्ती निकालना है, प्रतिवर्ती क्यू आई पी प्रतिवर्ती, जब ये वाला 58 आ गया था, ये भी 58, तो प्रतिवर्ती निकालना मतलब रिफ्लेक्स, मतलब 360 में से 58 डिग्री घटा देंगे, जितना बचेगा वो प्रतिवर्ती बचेगा। तो देखिए घटाने के बाद 302 डिग्री आया, यही आपका प्रतिवर्ती था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे पूरा लिखना आपको पूरा नंबर मिलेगा, 4 नंबर का आ सकता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो समझ में आया हो तो अब वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया हो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाले बटन पर चढ़ जाइए, कुछ भी कीजिए बस वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों यहां तक समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे, ये आपका अभ्यास आपका ये समाप्त हो गया, अभ्यास 6.1 आपका समाप्त। अगला जो करेंगे वो 6.2 से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, उससे पहले उसको कुछ समझाएंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया है, मतलब क्या कहते हैं समांतर रेखाओं में त्रियक रेखा जाएगा तो उसमें अंतर कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, तमाम कोण जो बनेगा उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे आपके अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टेशन के साथ, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।